हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू तोमर स्वागत करती हूँ आपका अपने किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकौड़े की रेसिपी। इसमें मैंने बनाए हैं प्याज आलू बैंगन के पकौड़े और साथ साथ बनाई है हरी चटनी, जिसके साथ ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं, दो प्याज ली हैं और दो आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। और साथ ही हमें चटनी बनानी है तो उसके लिए हरा धनिया ले लिया है, वॉश करके लिया है इसको, और हरी मिर्च चाहिए हमें, अदरक चाहिए और टमाटर ले लिए हैं दो। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सब्ज़ी को काट लेंगे। तो बैंगन को यहाँ देखिए मैंने डंठल निकाल दिया इसका और सीधे पानी में काटेंगे, ताकि क्या होगा इसका कलर ख़राब नहीं होगा, नहीं तो बैंगन क्या होता है कटते कटते ही वो काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल पतले पतले पीसेस गोल इस तरह से यहाँ पर मैंने काट लिए हैं। अब हम प्याज भी काट लेंगे। तो पहले प्याज को छील लेंगे और फिर प्याज के जैसे भी आप स्लाइसेस में काटना चाहें, स्लाइसेस में पतली गोल, मतलब जिस भी शेप में आप प्याज के पकौड़े बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरह से आपको काट कर दिखाऊंगी, गोल भी और छोटी छोटी दूसरी शेप में भी। तो ये देखिए इस तरह से गोल गोल प्याज को काट लेंगे। और ये दूसरी प्याज मैंने इस तरह से ले ली है। अब इसके स्लाइसेस हम काट लेंगे इस तरह से, ये देखिए लंबे लंबे स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे, इस तरह से भी अच्छे लगते हैं। तो प्याज यहाँ पर कट गई है। अब यहाँ पर आलू, सबसे पहले यहाँ पर आलू को देखिए मैंने धो लिया है, सब्जियाँ मैंने सारी धोकर रखी है, उसके बाद ही मैं छील रही हूँ इनको। तो अब ये छील चुकी हूँ मैं और अब इस तरह से इसके स्लाइस काट लेंगे। इसमें भी आप चाहें तो गोल काट लीजिए, मैंने गोल बनाए हैं। और इन्हें भी आलू और बैंगन स्पेशली बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पानी में डिप करके रखें, क्योंकि दोनों चीज़ों का कलर ख़राब हो सकता है, काला पड़ जाएगा। अब ये देखिए ये कट गए हैं आलू बैंगन प्याज के स्लाइस। अब यहाँ पर बाकी सामान, यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, अजवाइन ले ली है, हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम बेसन डाल लेंगे और सारे मसाले एक एक करके ऐड कर देंगे। हल्दी ध्यान रखिएगा थोड़ी सी डालनी है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, तो एक चौथाई चम्मच ही लिया मैंने। अच्छे से सभी मसालों को बेसन में मिक्स करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और चलाते जाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे, ताकि इसमें गांठे ना पड़े, गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से इसको चलाना है, फेंटना है अच्छी तरह से। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, इकट्ठा ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो पतला हो जाएगा बेसन। ये देखिए अच्छी तरह से आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको। ये जो तरीका है ना, आप इसको अगर आप विस्कर से नहीं कर रहे हैं तो आप फोक होता है जो कांटा होता है उससे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा फिटता है। तो ये देखिए अच्छे से फिट चुका है। अब हम बना लेते हैं जब तक चटनी। तो 2-3 मिनट का रेस्ट दिया है हमने बेसन के घोल को। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले डालने हैं टमाटर मिक्सिंग जार में। तो दोनों टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं। यहाँ पर अदरक इस तरह से पीसेस कर दिए उसके, हरी मिर्च भी इस तरह से थोड़ा सा काट देंगे इसको,
और हरी मिर्च आप स्पाइसी कितनी चटनी को रखना चाहते हैं उस हिसाब से डालें। ये तकरीबन 3-4 हरी मिर्च हैं और अब इसमें धनिए को इस तरह से रफली काट लेंगे और डाल देंगे। तो अगर आप नीचे जब चटनी बनाते हैं ना टमाटर नीचे की तरफ रखेंगे ना तो वो क्या होगा बहुत अच्छे से बनती है। उसमें क्या है कि बिल्कुल भी पानी वगैरह डालने की तो ज़रूरत होती नहीं है इस चटनी में, और नीचे से ही जब मिक्स होती जाती है ना तो बहुत ही बढ़िया बन जाती है चटनी। और यहाँ पर काला नमक चाहिए हमें इस चटनी में डालने के लिए, और बस इसका लगाएंगे ढक्कन और इसे पीस लेंगे। तो बढ़िया सी चटनी हमारी हरी हरी स्पाइसी एकदम बनकर तैयार हो गई है। देखिए ये पकौड़ों के साथ तो चटनी में ही मज़ा आता है, और चाय चाहिए और चटनी। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए बेसन भी अच्छे से घोल हमारा रेडी हो गया है। 2-3 मिनट का दे दिया हमने रेस्ट। अब इसमें हम जिसके भी पकौड़े हमें बनाने हैं, हमने आलू के शुरू किए तो आलू के पीसेस इस तरह से डाल देंगे पानी से निकाल कर इसमें। और इधर कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया या नहीं इसे देखने के लिए थोड़ी सी जो घोल है उसको डालकर देख लेंगे। ये देखिए तैर कर ऊपर आ गया है अच्छे से, तो इसका मतलब है कढ़ाई में जो ऑयल डाला है हमने गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके पकौड़े, बस ध्यान से डालिएगा। तो बेसन के घोल में अच्छे से लपेट कर इस तरह से जितने एक बार में कढ़ाई में आ जाए ईजिली उतने आप एक बार में डाल दीजिए। और इसमें ध्यान रखिएगा जो पकौड़े बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम नहीं रखनी है गैस, जैसे बहुत तेज़ हो जाए तो हल्का सा मीडियम कर दें और बाकी 1 मिनट मीडियम पे, और बाकी फिर आप उसको हाई पे ही करें, तेज़ आंच पे ही बनाएं। तो क्या होता है कि जो जिसके हम पकौड़े बनाते हैं ना वो पकौड़े क्या होता है ऑयल पी लेते हैं, अगर आप गैस को कम कर देंगे तो ऑयल पी लेंगे पकौड़े। अब इसको साथ साथ हम चलाते भी जाएंगे, पलट पलट कर इसको बनाएंगे जब तक अच्छा से एकदम बढ़िया क्रिस्पी हो जाए ये और इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, जब तक हम इनको बीच बीच में पलटते रहेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं पकौड़े, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये देखिए बनकर पकौड़े हो गए हमारे तैयार, कितना बढ़िया कलर आया इनका, एकदम क्रिस्पी देखने में ही लग रहे हैं क्रिस्पी। तो अब इनको अच्छे से इनका ऑयल निचोड़ कर हम अच्छे से निकाल लेंगे इनको। अब बाकी बचा हुआ ऑयल पेपर सोक कर लेगा। अब हम डाल रहे हैं बैंगन के पकौड़े, तो बिल्कुल सेम तरीके से ही बनेंगे, कढ़ाई में जितना आराम से आ सके उतने पकौड़े एक बार में आप बनाएं। पकौड़े शाम के नाश्ते में, बारिश का मौसम हो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हैवी नाश्ता भी होता है। और अगर घर में आ जाए मेहमान तब भी पकौड़े बन जाए तो मज़ा ही आ जाता है। सेम उसी तरीके से देखिए मैंने बैंगन के पकौड़े भी डाल दिए कढ़ाई में। अब इनको बस डालने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे और उसके बाद इनको पलट देंगे हल्का सा हिला के, देखिए क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से सिकना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से ये सिकेंगे, बढ़िया सा कलर आएगा और क्रिस्पी हो जाएंगे फर्स्ट क्लास। बस ध्यान रखिएगा गैस को हमें कम नहीं करना है, गैस तेज़ रहनी चाहिए शुरू में। अगर गैस ज़्यादा, अगर आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है तो उसमें आपको करना क्या है कि हल्का कर दीजिए गैस को, नहीं तो आधे एक मिनट के लिए आप गैस को बंद भी कर सकते हो उसके बाद ऑन कर लीजिए, क्योंकि एकदम तेज़ में भी नहीं डालना है कि अच्छे से अंदर तक सिके ही ना पकौड़े। तो ये देखिए बैंगन के पकौड़े भी तैयार। ये देखिए अब आ जाते हैं प्याज की तरफ, तो प्याज के पकौड़े बना लेंगे अब उसी तरीके से। ये देखिए दोनों तरह से मैंने डाल दिया प्याज को, दोनों प्याज को डाल दिया है। अब कढ़ाई में ही जा रहे हैं प्याज के पकौड़े।
अब जो गोल वाले पीसेस थे मैंने वो भी डाल दिए हैं, और जो पतले जो लंबे पीसेस हमने कट करे थे उसको भी मैंने इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल जैसे नॉर्मल पकौड़े हम छोड़ते उस तरह से कढ़ाई में डाल दिया उनको। तो आपको जैसे पसंद आए शेप आप उस तरह का बना सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पकौड़े में कि आपको उस तरीके का बनाना है, आपको जैसे अच्छे लगे आप वैसे बनाइए। बस ऑयल में डालते टाइम बहुत आराम से काम करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, बहुत संभल कर ताकि हाथ पर छींटे ना आए। तो बस अब हमारे प्याज के पकौड़े भी बनने वाले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, दम आ रहा है ना मुंह में पानी ये देख के, बस लग रहा है कि फर्स्ट क्लास ये पकौड़े मिल जाएं जल्दी से चटनी और चाय के साथ। आई एम श्योर आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पकौड़े तैयार हैं, चटनी तैयार है, तो सर्व कर लेते हैं, ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।